हेलो भाइयों, अभी हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स लिमिटेड के बारे में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक एम टाइप का प्राइस एक्शन बना रहा है। आप लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग डबल टॉप भी कह सकते हैं, ये एम टाइप का पैटर्न बना रहा है। आप लोग देख सकते हैं, ये पूरी तरह से एम टाइप का पैटर्न बना रहा है। और आवरली चार्ट में देखें तो यहाँ भी सेम फॉर्मेशन बना रहा है। आप लोग देख सकते हैं, और यदि 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखें तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है ऊपर ऊपर साइड में। आप लोग देख सकते हैं, इस लाइन को ये ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है, इस ट्रेंड लाइन को। तो इसमें आप लोग कल के लिए इसमें शॉर्ट के लिए जा सकते हैं। इंट्राडे में आप लोग इस लेवल के आसपास, इसको इस लेवल के नीचे यदि 15 मिनट टाइम फ्रेम का कैंडल यदि सस्टेन हो जाए तो आप लोग इसमें शॉर्ट कर सकते हैं टाटा मोटर्स में। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये जो लेवल है, इस लेवल को ये मल्टीपल टाइम ये टच कर चुका है, दो ये तीन बार टच कर चुका है, तो ये डाउन फॉल कर सकता है। इसमें ये ऊपर में इसका जो प्राइस है ऊपर में सस्टेन नहीं कर पा रहा है। आप लोग यदि शॉर्ट पोजीशन में देखें, यदि शॉर्ट पोजीशन में देखें तो आप लोग 487 के आसपास आप लोग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 1:2 आप लोग का टारगेट होना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में कि यहाँ पर एक गैप फिलिंग का एरिया भी बाकी है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक गैप फिलिंग का एरिया भी बाकी है, इसको कंप्लीट कर सकता है, गैप फिलिंग के लिए आ सकता है इस लेवल के आसपास। आप लोग इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कृपया नए व्यूअर आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।